क्या लगा इसमें पूछा है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? बच्चों ऑप्शन गलत है ये, हाँ इसका हो जाएगा सी, मैं एडिट कर देता हूं। हाँ हाँ इसका सी होगा, नर्मदा ताप्ती सोन, ठीक है। हाँ मैंने सी कर दिया है, जिनका होगा वो चेंज कर लेंगे, जिनका होगा वो सही जाएगा। ध्यान रखेंगे अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं, नर्मदा ताप्ती और नदी की सहायक नदियों के नाम आप लोग याद रखेंगे, हिरन, पोलार, वरना, तवा, छोटी तवा, ये सिद्धांत। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? हाँ क्वेश्चन बहुत ढूंढ के लाए गए हैं और शानदार वाले क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बेनिफिट करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ पता है टॉपिक को अगर एक बार हम अच्छे से कर ले दोबारा ना तो चीजें भूलती नहीं है। बिल्कुल सही। अलकनंदा कहाँ से निकलती? हिमालय से। तो हिमालय की नदी अलकनंदा है, बाकी सभी कहाँ की हैं? बाकी सभी प्रायद्वीपीय भारत की है। बिल्कुल सही। देखिए अलकनंदा प्रायद्वीपीय पठार की नदी नहीं है, ठीक है। बाकी सभी नदियां नर्मदा, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, ये सभी किसकी हैं? ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। गोदावरी ध्यान देंगे, मैं शेयर का ऑप्शन दे रहा हूं, जिन बच्चों ने शेयर ना किया वो सेशन को शेयर भी कर दें। गोदावरी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसे हम लोग दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण मतलब गंगा के साउथ में है, ठीक है। कोई नहीं दीपक, आप क्लास लीजिए और तब बताइएगा, ठीक। तो दक्षिणी गंगा बोलते हैं या बूढ़ी गंगा? बूढ़ी क्यों? कि गंगा से ये उम्र में एज वाइज ज्यादा नदी है, उम्र दराज है। और दक्षिण क्यों? ये गंगा के दक्षिण में पड़ती है। इसकी सहायक नदियों का नाम याद कर लीजिएगा, इसके ट्रिब्यूटरी पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसकी सहायक नदी है वर्धा, वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, ठीक है। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो भी ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। जो भी ऐसा कोई एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। चलिए पेनिनसुला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है ये। नहीं दक्षिण, ध्यान रखना दक्षिण भारत की गंगा बोलेंगे तो बोलेंगे कावेरी को, अर्ध गंगा बोलेंगे कावेरी को, लेकिन केवल दक्षिणी गंगा। देखो
देखो गंगा ऑफ साउथ इंडिया ये अलग क्वेश्चन है, साउदर्न गंगा ये अलग क्वेश्चन है, यही ध्यान रखना आप लोग को। अगर साउदर्न गंगा बोले तो गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोले या हाफ गंगा बोले तब कावेरी। तो ये क्या हो जाए, चारों नदी, ये चारों नदियां पश्चिम बहती हैं, सरावती ये कर्नाटक में, तवा महाराष्ट्र गुजरात में, ताप्ती साबरमती ये सभी जानते हो आप लोग, ये सभी पश्चिम दिशा से बहने वाली नदियां हैं। इसे ताप्ती नर्मदा सरावती ठीक है, ये सभी, हाँ ये देखिए सरावती नर्मदा ताप्ती तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन करेंगे इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। क्वेश्चन बहुत अंजुम, मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं, वॉइस क्लियर है सब कुछ, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए। पैडा की प्रैक्टिस आज है यूट्यूब पे, पैडा की क्लास आज यूट्यूब पे है, सभी लोग लें, देखेंगे। इसमें गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, क्या लिखा है, पश्चिम घाटों से निकलने वाली। शब्दों पर ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे लोग शब्दों पर ध्यान देते नहीं है। अगर पूछे पश्चिम दिशा की ओर तो क्वेश्चन अलग, पश्चिमी घाट से निकलती है। देखो पैडा के क्वेश्चन लगभग हर एक के होते हैं, चाहे वो ईवीएस की पैडा हो चाहे एसएसटी की, 19-20 का फर्क होता है भाई, कुछ नहीं, एनसीएफ सबके लिए एक ही जैसा होता है। ये देखिए गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सभी पश्चिमी घाट की पहाड़ से निकलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, शेयर का ऑप्शन दे दो, पहले ये कर लो फिर शेयर का ऑप्शन दे रहा हूं। ये अच्छा लगता है, आप लोग खुद फिक्रमंद रहते हैं शेयर करने के लिए, ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट है, विश्वास मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन इतने प्रसिद्ध, कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो कई बार पता होना चाहिए आप लोग को, कई बार बताया मैंने आप लोग को कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखो पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा ठीक है, तीसरी होगी महानदी, चौथी होगी कावेरी। इकोनॉमिक सब्जेक्ट ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब देखो ये दे रखा है आपके कृष्णा की सहायक नदियां, नाम याद करना, ट्रिब्यूटरी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिब्यूटरी पे आंसर इसका, इसका आंसर होगा कृष्णा। देखिए भीमा है, कोयना है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और देखो एक है वर्धा नदी भी इसकी सहायक नदी है, एक वर्धा बहुत ध्यान सुनना, एक वर्धा है डब्लू वाली, डब्लू वाली जो वर्धा है वो है गोदावरी की, और वी वाली वर्धा है कृष्णा की, ये ध्यान रखिएगा। मैं दिखा देता हूं आप लोग को, कहीं था वो याद रहे, क्वेश्चन निकल गए, ये देखिए डब्लू वाली वर्धा है गोदावरी की और वी वाली वर्धा है कृष्णा की,
समझ गए, भीमा हो गई, ये सभी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी पर डैम बना हुआ नागा अर्जुन सागर, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। देखो लंबाई कितनी है, 1465 गोदावरी की है, कृष्णा की लगभग 1400 है, कावेरी की 765 है और महानदी की 803 किलोमीटर है। हाँ जी, सोम अनस पनम नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन सभी टाइप के हैं। हाँ, कोशिश की है और सभी लोग सेशन को भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चे, और इस क्लास को बाद में भी जो बच्चे देखेंगे वो सेशन को शेयर जरूर करेंगे। मात्र 22, कोई दिक्कत नहीं। माही नदी की सहायक नदियां हैं सब हैं, ठीक है। ये देखो ये आ रही है, हाँ, जो माही नदी है ध्यान रखेंगे, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, ठीक है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को दो बार काटती है, और एक चीज बता दूं, माही भी काटती है अनस भी। अब बताइए कितने लोग को पता था अनस के बारे में कि अनस नदी भी दो बार काटती है।